सबसे पहले मेरा नाम, एक्चुअली मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, लेकिन मैं साहिल के नाम से लिखता हूँ। अभी तक मैं ऑनलाइन ऐप राइटर था, ऑनलाइन ऐप पे लिख रहा हूँ करीब 3-4 सालों से। फर्स्टली इस तरीके का इवेंट में शामिल हुआ हूँ और द साहित हाउस की टीम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया। और आज जैसा कि फ्रेंडशिप डे है तो सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं वैसे तो फ्रेंडशिप डे पर कोई स्पेशल को कुछ लिख के नहीं आया हूँ। फर्स्टली मैं अपने साहिल के नाम को जो है जिस पे मैं लिखता हूँ उसकी शख्सियत के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ मैं कि मोहब्बत का मारा हूँ मैं, मोहब्बत का मारा हूँ मैं, इसलिए समंदर का किनारा हूँ मैं। तो इस तरीके से साहिल अभी तक जिंदा है और ये कहानी 2009-10 में शुरू हुई थी जो अभी तक जारी है। मैंने पहले सबसे पहले मोहब्बत के लिए लिखा था, अब मैं मोहब्बत के लिए नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो लिखता हूँ वो दर्द लिखता हूँ जो आप सभी में कुछ ना कुछ होगा। तो आज मैं कहते जाऊंगा तो पकड़ लेना कि कहां पर आपकी लाइन वो आ जाती है जिंदगी की। मैं कहता जाऊंगा आपको समझना है कि ये मेरी जिंदगी में शामिल है या नहीं। तो फर्स्टली सबसे पहले मैं कुछ इधर उधर के शेर आपको आप सभी तक पहुंचाता हूं कि समझिएगा कि वो हवाओं से सौदा कर रहा है, वो हवाओं से सौदा कर रहा है, यकीनन कहीं पर आग लगेगी। क्या बात, दो लाइनों के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो आप तीसरी लाइन का इंतजार कर रहे हो। मैं बताता जाऊंगा कि तीसरी लाइन का इंतजार आपको करना है या नहीं। एक शेर और कि ये उसके लिए है कि जो मतलब प्यार करती है नहीं करती है, कुछ कंफ्यूजन रहती है हमें, ये उसके लिए है। प्यार नहीं था तो कह देती, प्यार नहीं था तो कह देती, यूं वक्त मेरा जाया करने का हक नहीं था तुम्हें। प्यार नहीं था तो कह देती, यूं वक्त मेरा जाया करने का हक नहीं था तुम्हें। एक और शेर है कि हो चुका हूं मुरीद तेरी बेवफाई का, हो चुका हूं मुरीद तेरी बेवफाई का, कि इल्तिजा है कि तू कभी किसी से वफा ना कर। बहुत शुक्रिया। एक से और है कि मेरी शमशीर ने मुझको ऐसा मुहीब बना दिया, मुहीब का मींस होता है लाइक विजेता कह सकते हैं हम उसको, कि मेरी शमशीर ने मुझको ऐसा मुहीब बना दिया जिधर को उठाता था सर सजदे में झुक जाते थे। एक शेर और है कि आपकी जिंदगी के लिए भी हो सकता है, आप सभी से गुजारिश है कि ध्यान से सुन लें, शायद आपकी जिंदगी का शेर हो सकता है ये, आने वाले वक्त में भी कह रहे हैं कि कल आए थे बादल, कल आए थे बादल, तुझे रोता देख लौट गए। समझिएगा बहुत गहरा शेर है। कि अगला शेर है कि वो पंछी मस्त मौला दिखता है, वो पंछी मस्त मौला दिखता है, काले घुमरते बादलों का डर नहीं है उसे। एक पंछी ऐसा भी है इस दुनिया में जो बादलों के नीचे नहीं उड़ता, वो बादलों के ऊपर उड़ता है, आप सभी को शायद मालूम भी हो। एक शेर, कुछ इधर उधर के शेर और कुछ एक दो गजलों से मैं फिर अपनी जगह लूंगा कि किसी ने मुझसे पूछा जब कैद से निकलोगे तो क्या करोगे, किसी ने मुझसे पूछा
कि जब कैद से निकलोगे तो क्या करोगे? मैंने कहा फिर से कैद होने की कोशिश। बहुत शुक्रिया। एक शेर है कि उन्हें खलता नहीं मेरा आना, उन्हें खलता नहीं मेरा आना, बस वो ये कहते हैं कि मेरा बन के मत आओ। उन्हें खलता नहीं मेरा आना, बस वो ये कहते हैं कि मेरा बन के मत आओ। एक शेर और है कि मुझे रोशनी की दरकार थी, दरकार मीन्स होती है जरूरत, मुझे रोशनी की दरकार थी, उसने आग लगा दी। मुझे रोशनी की दरकार थी, उसने आग लगा दी। एक शेर है, ये चार लाइनों का शेर है, चार लाइनों के बाद आप जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, दो लाइनों में मत कहिएगा। कि मेरी खुददारी को वो मजबूरी समझती है, मेरी खुददारी को वो मजबूरी समझती है, मेरी नेकी को बला बहुत बुरी समझती है, कि मैं कैसे उठा लूं घर का एक पत्थर भी, मैं उठा लूं घर का एक पत्थर भी, कैसी लड़की है इसे भी मजदूरी समझती है। ये मेरे जॉनर का नहीं है, लेकिन आ गया था माइंड में तो लिख दिया। कि एक और शेर है कि मैंने जख्मों का एक शहर बसाया है, मैंने जख्मों का एक शहर बसाया है, और उसमें दर्द का एक सजर लगाया है, मैंने जख्मों का एक शहर बसाया है और उसमें दर्द का एक सजर लगाया है, तुम इससे शायद इत्तेफाक नहीं रखते, तुम इससे शायद इत्तेफाक नहीं रखते, इसने ही मुझे इतना दौलतमंद बनाया है। मेरी तलाश में मत निकलना, मैं मिलूंगा नहीं, मेरी तलाश में मत निकलना, मैं मिलूंगा नहीं, मेरे खत जला सकते हो, मैं जलूंगा नहीं। इसी गजल का अगला शेर है कि प्यार तो तुझसे ही था और ता उम्र रहेगा, प्यार तो तुझसे ही था और ता उम्र रहेगा, तुम भूल सकते हो, मैं भूलूंगा नहीं। बहुत शुक्रिया। कि अगला शेर है, वो दुआएं पढ़ रहा है मेरे खाक होने की, वो दुआएं पढ़ रहा है मेरे खाक होने की, यकीन रख इतनी जल्दी मैं मरूंगा नहीं। अगला शेर है कि कहता है तुम किसी और से इश्क क्यों नहीं करते, कहता है कि तुम किसी और से इश्क क्यों नहीं करते, तुम कर सकते हो, मैं कभी करूंगा नहीं। इसी के चलते अगला शेर है कि तुम्हारे हिस्से में कश्ती आई तुम डूब जाओगे, तुम्हारे हिस्से में कश्ती आई तुम डूब जाओगे, मेरे हिस्से में पानी है मैं डूबूंगा नहीं। ये शेर बहुत डीप था, आप सभी ने डीप नहीं समझ पाए, कि तुम्हारे हिस्से में कश्ती आई तुम डूब जाओगे, मेरे हिस्से में पानी है मैं डूबूंगा नहीं। इसी गजल का लास्ट शेर है कि तुमने तो कहा था कि खुश रहोगे किसी और के साथ, तुमने तो कहा था कि खुश रहोगे किसी और के साथ, लोग तो कहने लगे हैं कि मैं अब बचूंगा नहीं। बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी की इजाजत हो तो एक गजल और पेश करना चाहेंगे। कि अगली गजल है कि परिंदे हैं परिंदों को गुजर जाने दो,
परिंदे हैं, परिंदों को गुजर जाने दो, गुजर रही है मोहब्बत, गुजर जाने दो। परिंदे हैं, परिंदों को बसर जाने दो, गुजर रही है मोहब्बत, गुजर जाने दो। कि वो मेरे दिल को कफस समझती है ना, वो मेरे दिल को कफस समझती है ना, जिधर वो चाहती है उसे उधर जाने दो। अगला शेर है कि मैं पानी की तरह रुकूंगा भी और बहूंगा भी, मैं पानी की तरह रुकूंगा भी और बहूंगा भी, बस एक बार मुझे बारिश की तरह बरस जाने दो। इस गजल का लास्ट शेर है और ये मेरा पसंदीदा शेर है, शायद आप सभी का पसंदीदा बन जाए, कि उसे गांव की तंग गलियों में घुटन होती है, उसे गांव की तंग गलियों में घुटन होती है, उसे एक बार कारखानों वाले शहर जाने दो। बहुत शुक्रिया। इसी गजल के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं और दैट साहित हाउस की टीम को फिर से एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने लिए, बहुत सभी ने अच्छा सुना, बहुत शुक्रिया।